अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू क्लास। आई एम योर साइंस टीचर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में और दूसरे सेकंड लेक्चर में कोरोना वायरस के बारे में बताया था, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने बहुत अच्छी तक तैयार की है। आप उसके बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घर से गैर जरूरत पर बाहर ना जाएं, घर पे रहें और सेफ़ रहें। कोरोना वायरस की वजह से आप स्कूल हाज़िर नहीं हो सकते, इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में साइंस के फर्स्ट यूनिट की रीडिंग करवाई थी और साथ डिक्टेशन वर्ड लिखवाए थे। फिर मैंने सेकंड लेक्चर में आपको थोड़ी सी दोबारा से रीडिंग करवाई थी और क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। आज भी मैं आपको थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, बुक वर्क करवाऊंगी, जो आपने बुक वर्क जो है बुक में करना है, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपने नोटबुक पर लिखने हैं। आपने नोटबुक पर अपना काम पेंसिल से करना है, नीट एंड क्लीन। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें लेक्चर नंबर 3, CW, मार्जिन लाइन लगानी, करेक्शन। ठीक है, मार्जिन लाइन भी आपने सीधी लगानी है, करेक्शन लिखना है, साइंस लिखना है। मैंने आपको क्वेश्चन तीन क्वेश्चन लिखवाए थे, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर लिखवाए थे। आज भी मैं आपको बाकी के क्वेश्चन आंसर लिखवाती हूँ। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 थे, हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ। क्वेश्चन आंसर, अ कैटरपिलर टैक्स इन हेयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। अ कैटरपिलर टैक्स इन हेयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज अ फिश स्विम इन वाटर। हाउ डज अ फिश स्विम इन वाटर। आंसर, अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ प्लांट मेक सीड्स। हाउ डज अ प्लांट मेक दीज सीड्स। आंसर, अ प्लांट हैज फ्लावर्स व्हिच मेक सीड्स, सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। अ प्लांट हैज फ्लावर्स व्हिच मेक सीड्स, सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। ये आपने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर लिखने हैं, जो कि आपने पेंसिल से लिखने हैं, ठीक है। पेंसिल शॉर्प करनी है, पेंसिल शॉर्प कर आपने नीट एंड क्लीन अपना काम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 ऑन बुक पेज नंबर 7। ये वाला वर्क आपने अपनी बुक पर करना है। जो वर्क आपको बुक पर दिया है वो बुक पर करना है, जो आपको नोटबुक पर दिया है वो नोटबुक पर करना है। ये स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 2, मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट। ये देखें डू ऑन बुक, आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पर करना है, ठीक है। बेबीज को पेरेंट्स यानी कि मैच करना है आपने, ठीक। ये देखिए, हाँ, पपी डॉग कफ काओ जॉय कैंगरो सीड प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग टेक इन एयर। अ बॉय बाय हिज नोज एंड माउथ। हमें ये बताना है कि जानदार चीज़ें जो है हवा में सांस कैसे ले सकते हैं, ये किस तरह लेते हैं, हमने वो मैच करना है, ठीक है। जैसे अ बॉय बाय इज नोज एंड माउथ, अ बटरफ्लाई बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी, अ फिश
बाय इट्स गिल, अ प्लांट बाय स्मॉल होल इन द लीव्स। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने बुक पर करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपने नोटबुक पर लिखनी है, ठीक है। आपने डेट मेंशन करनी है, क्लास करेक्शन मार्जिन लाइन लगानी है, CW लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स देखें। प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट, प्लांट्स आल्सो मूव, आल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ग्रीन प्लांट्स मैक फूड इन सनलाइट, प्लांट्स आल्सो मूव, आल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। आपने ये काम अपनी पेंसिल से करना है, पेंसिल को शार्प करना है, मार्जिन लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है, करेक्शन लिखनी है। आपने अपना काम नीट एंड क्लीन करना है, साथ साथ इसे याद भी करना है। आपसे 4th लेक्चर के लिए आपसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।